तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक सिंपल सी क्वेरी की, जो कि हमारे रिसेंटली इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। जून 2023 में कोई सी भी एमएनसी उठा लो, उसमें ये कॉमन हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा कॉमन होगा कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारे पास तीन टेबल्स लिस्टेड हैं, डिपार्टमेंट 1, ठीक है, सेल्स, फाइनेंस और आईटी, और इन सेल्स के करस्पॉन्डिंग, इन डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डिंग कुछ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। तो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 दोनों सेल्स के हैं। ठीक है, सेल्स क्योंकि 001 का है, और उनके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग उनकी सैलरी दे रखी है। तो एम्प्लॉय टेबल बीच में हो गई, वो लिंक्ड है हमारे डिपार्टमेंट टेबल से बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट कोड, और सैलरीज जो टेबल है वो भी हमारी लिंक्ड है एम्प्लॉय टेबल से बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल अप्रोच लेके चलूँ तो अगर मेरे को निकालना है डिपार्टमेंट कोड की जो भी है मैक्सिमम सैलरी, ठीक है ना, किस डिपार्टमेंट कोड की कितनी मैक्सिमम सैलरी है वो मैं निकल सकती है इस क्वेरी से। ठीक है, बस मैंने ग्रुप बाई करा है डिपार्टमेंट कोड और बेसिक, और मेरा जो मैक्सिमम सैलरी को, तो मतलब सिंपली मैंने एम्प्लॉय टेबल और सैलरी टेबल को ज्वाइन करा है, और उससे करस्पॉन्डिंग मैंने मैक्सिमम सैलरी निकाल रही है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट कोड। ठीक है, और तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो डिपार्टमेंट कोड ना दो आ रहे हैं, डिपार्टमेंट 001। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट कोड के दो एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आउटपुट का क्या आना चाहिए था, आउटपुट ही आना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट कोड 1 के करस्पॉन्डिंग 5000 6000 सैलरी हो मैक्सिमम, और 003 के करस्पॉन्डिंग इतनी मैक्सिमम सैलरी, तो सिर्फ दो ही रोज़ आनी चाहिए थी, लेकिन 3 रोज़ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ 3 सेल से रिस्पॉन्डिंग 2 हैं। ठीक है, तो अभी ग्रुप बाई करा हम लोग ने, तो ग्रुप बाई मैक्सिमम सैलरी उसने एक ने निकाली, उसने दो दो निकाल दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ई डॉट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम भी डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मुझे को यहाँ पे ग्रुप बाई में ऐड करना पड़ेगा, तो इस वजह से एक दो बार ही हो गया। ओके, ठीक है, तो एम्प्लॉयज दो थे जब मैंने ग्रुप बाई करा, तो ग्रुप बाई कैसे काम करता है, यूनिक ढूंढता है हर स्पेसिफिक कॉलम के अंदर। तो इसके अंदर यूनिक उसको पहले मिल गया जेन जॉन, यूनिक है वो, उसने ऐड कर दिया डिपार्टमेंट कोड से वो। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी भी डिफरेंस थी, तो इस वजह से इसने दो रो रिटर्न करी। अगर ये सेम ही होता ना, अगर जॉन जेन और जेन होता, तो सिर्फ एक रो आती है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम लोग सेकंड अप्रोच में जाएंगे। ठीक है, जो कि ये वाली क्वेरी है, ये सिंपल क्या कर रहा है, ये रो नंबर कैलकुलेट कर रहा है बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट कोड। ठीक है, डिपार्टमेंट कोड जो भी है लिस्ट डाउन है उसके करस्पॉन्डिंग ये रो नंबर प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन दी सैलरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो बेस्ड ऑन द सैलरी ये रो नंबर दे रहा है। अगर मैं ये वेयर कंडीशन हटा दूँ यहाँ पे, दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे मैं डालता हूँ, और मैं वेयर कंडीशन अगर हटा दूँ तो यहाँ पे देखोगे आप, तो डिपार्टमेंट 001 मतलब सेल्स से करस्पॉन्डिंग दो दो एम्प्लॉय है जिनकी मैक्सिमम सैलरी ये आ रही है। तो मेरे को तो मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो मैं रो नंबर अगर 1 काउंट कर लूँ, अगर सेलेक्ट कर लूँ सब में से, तो मेरे को मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब मैं क्वेरी आपको पेस्ट कर दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।